स्वागत है आपका। बात करते हैं मूक बधिरों के लिए विशेष समाचारों की और मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पिंकी खंडेलवाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में सुनवाई की और कई बड़े फैसले दिए। दिल्ली में कोरोना मरीजों के इलाज पर असंतुष्टि जताते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मजदूरों और कंपनियों के बीच सैलरी की तकरार पर फैसला सुनाया और कहा कि आपस में बैठकर बात करें। वहीं आरबीआई की ईएमआई गाइडलाइन पर सुनवाई करते हुए संयुक्त बैठक करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ लॉकडाउन में कैंसिल हुई फ्लाइट्स का पूरा पैसा वापस करने के मामले में सुनवाई हुई। काशी मथुरा विवाद के बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले कोरोना संक्रमण की बात कर लेते हैं जो लगातार देश में फैल रहा है और अब भारत दुनिया में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। आंकड़ों की बात करें तो 2,97,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। अगर बात करें यूपी की तो यहां भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है और अब तक 12,600 कोरोना संक्रमित हैं। बढ़ते हैं आगे। आज हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को राहत देते हुए भर्ती पर लगे स्टे के खिलाफ फैसला दिया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार भर्तियां कर सकती है। उधर जौनपुर और आजमगढ़ की घटनाओं को लेकर आज सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा। टीम 11 की बैठक के बीच ही डीजीपी और आजमगढ़ के एसएसपी को उन्होंने फोन करके हड़का दिया, साफ कर दिया है कि हर हाल में हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी तरह की कोई सांप्रदायिक या जातिवादी हिंसा होती है तो एसपी और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। यूपी में सांप्रदायिक और जाति विवाद पर सीएम सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने डीजीपी को दो टूक कह दिया है कि यदि ऐसी घटना हुई तो उस पर इंस्पेक्टर और सीओ पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा ऐसी घटना पर एसपी जवाबदेह हैं। अनाथ बच्चों के नाथ बने सीएम योगी, बाल श्रम के लिए उन्होंने सख्त बात कही है। इसके वजह से स्कूल ना पहुंच पाए 8 से 18 साल के अनाथ और बेसहारा और गरीब बच्चों की मदद के लिए प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की उन्होंने शुरुआत की। बाल श्रम उन्मूलन के लिए बाल श्रम से जुड़े 8 से 18 साल के बच्चों को पढ़ाई में मदद देगी योगी सरकार। उनको अटल आवासीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा। इसके अलावा सभी बालकों को 1,000 रुपये प्रतिमा और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमा दिए जाएंगे। 8वीं 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कर रहे ऐसे बच्चों को मासिक प्रोत्साहन राशि के अलावा मिलेगी 6,000 रुपये की वार्षिक प्रोत्साहन राशि। ऐसे बाल श्रमिक बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या दोनों में से कोई एक नहीं है या माता पिता में कोई दिव्यांग है जो भूमिहीन है, माता या पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उन बच्चों को भी मदद देगी योगी सरकार। और अब एक अहम खबर आई है बरेली से, जहां पर मामूली बात पर बवाल हो गया है जिसके बाद फायरिंग और पथराव हुआ जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और एक महिला समेत इसमें 3 लोग घायल हो गए। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। उत्तर मागे प्रदेश।